Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, how are you all? Hope you all are fit and fine. Today we will understand the explanation of lesson number 2, People Who Help Us. In the previous video, we understood the new words of this lesson. So let's start with the explanation. People who help us, यानी जो लोग हमारी मदद करते हैं. बच्चों, आपको पता है कौन कौन हमें मदद करता है हमारे हर काम में? Yes, अलग अलग चीज़ों में. जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं तो हमें कौन हेल्प करता है हमारी स्टडीज़ में? Yes, टीचर. और हमें अगर घर पे पेंट करवाना है तो कौन हेल्प करता है? पेंटर. हाउस पे हमें कलर करवाना होता है. और जब हम हेयर कट करवाते हैं तो हमारी मदद कौन करता है? बार्बर. तो इस चैप्टर में हम इसी तरह से अलग अलग लोगों के बारे में, यानी जो हमें मदद करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे. देयर आर मैनी पीपल अराउंड अस हु हेल्प इन मैनी वेज एंड मेक अवर लाइफ ईजी. हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो कई तरह से हमें मदद करते हैं और हमारे जीवन को आसान बनाते हैं. डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट जॉब्स एंड दस हेल्प अस. अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं और इसी तरह हमारी मदद करते हैं. वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू ऑल. हम सभी को उनका सम्मान करना चाहिए, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. लेट अस स्टडी अबाउट दीज पीपल एंड देयर जॉब्स. चलो आइए अब हम इन लोगों और उनकी जॉब्स, यानी जो वो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे. अ मैसन लेज ब्रिक्स टू बिल्ड अ हाउस. मैसन, मैसन का मतलब होता है राजमिस्त्री, यानी जो हमारा घर बनाता है. तो जो मैसन होता है वो हमारे घर बनाने के लिए हमें ईंट देता है, जिसकी मदद से हम अपना घर बनाते हैं. उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? ईंट, रेत, सीमेंट, ये सभी चीज़ों का उपयोग करके मैसन हमारे लिए घर बनाता है. अ कारपेंटर मेक्स फर्नीचर फॉर अस. कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई, जो फर्नीचर बनाता है. फर्नीचर में यानी क्या क्या आते हैं? टेबल, चेयर, डोर, विंडोज़, यानी जो भी लकड़ी की चीज़ें होती हैं वो सभी कौन बनाता है? कारपेंटर बनाता है. नेक्स्ट, अ पेंटर पेंट्स अवर हाउसेस एंड फर्नीचर. पेंटर का मतलब होता है चित्रकार. एक चित्रकार हमारे घरों और फर्नीचर को पेंट करता है, यानी जो हम अपने घर को कलर करवाते हैं या पेंट करवाते हैं या फिर फर्नीचर को, तो वो कौन करता है? पेंटर. नेक्स्ट, अ बार्बर कट्स अवर हेयर. बार्बर का मतलब होता है नाई, यानी जो हमारे बाल काटता है. हम बाल किससे कटवाते हैं? बार्बर से. अ टेलर स्टिचेस अवर क्लोथ्स. टेलर का मतलब होता है दर्जी, जो कपड़े सिलता है. स्टिचेस यानी सिलना. नेक्स्ट, अ कॉबलर मेंड्स अवर शूज. कॉबलर का मतलब होता है मोची, जो हमारे जूते ठीक करता है. कभी चलते समय हमारी अगर चप्पल टूट जाती है तो हम किससे ठीक करवाते हैं? कॉबलर यानी मोची से. नेक्स्ट, अ प्लम्बर रिपेयर्स अवर टैप्स शॉवर्स एंड पाइपलाइंस. प्लम्बर हमारे नल, शॉवर और पाइपलाइन की ठीक करने में मदद करता है. कई बार हमारे नल लीकेज हो जाते हैं जिसमें से कंटिन्यूस पानी गिरता रहता है, तो उसे ठीक करने के लिए हम किसे बुलाते हैं? प्लम्बर को. अ पुलिसमैन कैचेस थीव्स एंड गिव्स अस प्रोटेक्शन. पुलिसमैन क्या करता है? यस, चोरों को पकड़ता है और हमें सुरक्षा देता है.
A gardener takes care of the plants in the garden. Gardener का मतलब होता है माली। वो क्या करता है? बगीचे में पौधों की देखभाल करता है। उन्हें पानी देते हैं, खाद देते हैं, जिससे वो पेड़ पौधे कैसे रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। A doctor takes care of the injured and sick people. डॉक्टर क्या काम करता है? Yes, डॉक्टर घायल और बीमार लोगों की देखभाल करता है, यानी कि जो पेशेंट रहते हैं या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसे चोट लग जाती है, तो हम उसे कहाँ पर लेके जाते हैं? हॉस्पिटल। तो वहाँ पर कौन होते हैं? डॉक्टर्स, जो उनका इलाज करते हैं। अ टीचर टीचेस अस न्यू थिंग्स एट स्कूल। शिक्षक हमें स्कूल में नई चीज़ें सिखाता है। हम अपनी बुक्स लेकर जाते हैं, हमें जो चीज़ नहीं पढ़नी आती है तो हमें कौन सिखाता है? टीचर। हमें गुड मैनर्स सिखाते हैं और बैड हैबिट्स के बारे में बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। अ वॉचमैन गार्ड्स अवर हाउसेज। वॉचमैन का मतलब होता है चौकीदार। आपने बच्चों देखा होगा कि घरों के बाहर या फिर कोई भी बिल्डिंग्स के बाहर या बैंक के बाहर चेयर पे बैठे रहते हैं, जो वो कौन होते हैं? वॉचमैन। तो वो क्या ध्यान रखते हैं कि कौन पर्सन आ रहा है, कौन पर्सन जा रहा है, तो उसकी यानी घर की देखभाल यानी रखवाली करने का काम कौन करता है? वॉचमैन। अ ड्राइवर्स ड्राइव्स अवर व्हीकल्स एंड टेक्स अस टू अवर डेस्टिनेशन। ड्राइवर हमारे वाहनों को चलाता है और हमें जहाँ पर पहुँचना होता है वहाँ पर हमें लेकर जाता है। अ स्वीपर क्लीन्स द रोड एंड द लेन्स। स्वीपर का मतलब होता है सफाई कर्मी। जैसा कि बच्चों आपने देखा होगा, सुबह के समय रोड की सफाई कौन करता है? स्वीपर, जो हमारे सड़कों और गलियों को साफ करते हैं, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अ फार्मर ग्रोज फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फॉर अस। किसान हमारे लिए अनाज और सब्जियां उगाता है, फ्रूट्स उगाता है, जिसे हम खाकर के क्या हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग बनते हैं और हमें एनर्जी मिलती है उससे कोई भी काम करने के लिए। Now students, you have to read this lesson thoroughly. In the next video, we will understand the explanation of the exercise.